अभाव की वजह से जो उनका सच्ची ताकत है, वो सच्ची ताकत जो पढ़ना चाहते हैं, अगर भविष्य में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो कि वो उस पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाए। और ये मैं पूरा आज आपको यहाँ से इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि भरतपुर जिले में कोई भी बच्चा, मैं वैर की नहीं कह रहा हूँ, इस बात की हमारी पूरी ताकीद है कि पैसे के अभाव में वो इंजीनियर नहीं बन सका या डॉक्टर नहीं बन सका या वो पढ़ नहीं सका, ऐसी स्थिति हम पैदा नहीं होने देंगे, पक्का कह रहा हूँ। हम एक खरंजा नहीं बनाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, एक चीज कम कर लगा देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो मानव का विकास है इसको हम डेवलप करें बगैर नहीं छोड़ेंगे। पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि कोई भी नहीं रहे, खेलने की जिनको सामग्री चाहिए, अभी हमारे RPM साहब मुझसे बात करते आ रहे थे, परमदरा आपको मालूम है पहलवानों का आपको खजाना है, तो वहां पे पूरे हम कितने गद्दे दे रहे हैं, वहां पर 75 गद्दे वहां दे रहे हैं पहलवानों, तो पूरा का पूरा आप देखिए वो स्टेडियम तैयार हो जाएगा पहलवानों। तो ना कोई खेल में पीछे रहे, ना कोई शिक्षा में रहे। और दूसरी चीज जो तीसरी चीज है, वैसे तो आयुष्मान भारत और वो आ गई है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती रहती है किसी के इलाज में कोई तकलीफ हो जाए, ये नहीं होगा पैसे की वजह से हमारे किसी भाई ने, भरतपुर के भाई ने हमारे उसका इलाज नहीं हो सका, उसने दम तोड़ दिया, ऐसा भी हम नहीं होने देंगे। तो हम पूरा कोशिश करेंगे, ये पूरा हम खाका कैंसर है कि जिले में अगर कोई तकलीफ है, और इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी इन चीज़ों को हमारे लोगों के ध्यान में लाइए, भाई यहाँ तकलीफ देह स्थिति है, और इसी तकलीफ देह स्थिति को देख करके हमने ये इस तरह का सर्वे कराया। अवस्थी जी ने बहुत बढ़िया बात बताई थी जब आए थे, और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप 6,000 रुपये की सहायता दिलवाते तो बहुत बड़ा काम है, और बड़ी अच्छी बात है कि आज आप 6,000 रुपये की सहायता दिलवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 6,000 रुपये की किसान सम्मान राशि का आज चेक वितरण कर रहे हैं, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा। मैंने तो चिट्ठी भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि किसान सम्मान राशि को 12,000 रुपये कर दीजिए, 6,000 कर दीजिए, तो एक अच्छी चीज है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है आज के लिए काम करें, मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा सौभाग्य होता है, और हमारा कर्तव्य भी है और हमारा सौभाग्य भी है। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व अध्यक्ष, वैसे गांव से आए हुए हमारे सभी आदरणीयों के रूप में ग्राम विकास पंचायत के अध्यक्ष, तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ तक कृषि और बागवानी का सवाल है, कर रहे हैं कि सरकार हो, भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, वो तो सोचती है कि एक गांव को हम आदर्श बनाएं, और हम ये सोच रहे हैं कि वैर के पूरी पंचायत समिति को हम आदर्श कैसे बनाएं, और उस आदर्श बनाने में जो भी कारक हैं, और वो कारक क्या हैं कि हमारे स्कूल ऐसे होने चाहिए जो पढ़ा सकें, जो अच्छी शिक्षा दे सकें, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो उनमें जो भी कमियां हैं स्कूलों में उसका भी हम पूरा प्लान बना रहे हैं। हमारे PSC और हमारे CSC वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अच्छा उपचार दे सकें, उनका भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, पेशेंट्स को बैठने को जगह नहीं है, कि लेबर रूम ठीक नहीं है, कि टॉयलेट ठीक नहीं है, और क्या उपकरण दिए जा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि हम एक न्यू नेटल मशीन दे रहे हैं, और राजस्थान में पहली दफे भरतपुर जिले में दी जा रही है, और आज हम अभी और खरीद रहे हैं, तो जहाँ भी 1,000 से ज़्यादा डिलीवरीज हो रही हैं जिस PSC CSC में, उन सब में न्यू नेटल मशीन लग जाएंगी। यह पहला जिला होगा राजस्थान का, बल्कि हिंदुस्तान में भी नहीं है। मैं तो अभी सोच रहा था रात को कि कामा की हमारी एक न्यू नेटल मशीन पड़ी है, और कोटा में कोई तकलीफ हो रही है, तो मैं आज रात को बात करने वाला हूँ कि भाई क्या हम कोटा के अस्पताल में दे देंगे थोड़े बहुत दिन के लिए उसको, इतनी 100 बच्चों की मौत हो गई है, वो भी मानवता का एक तकाजा है उस पर। तो हम चाह रहे हैं कि स्कूल हमारे अच्छे हों, हमारे PSC अच्छे हों, जहाँ हमारे नौनिहाल बच्चे मतलब आते हैं, वो हमारे आंगनबाड़ी और जो प्री स्कूल हैं वो हमारे अच्छे हों, हमारी ग्राम पंचायतें को
उस ग्राम पंचायत हम करना चाहते हैं, अब तो नए चुनाव आ रहे हैं, कि किस तरह से वो जितने भी गांवों की स्कीम है, भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, जो बेनिफिशियरी उन तक कैसे पहुंच सकें, ऐसी कुछ ग्राम पंचायतों का हम चयन करेंगे और उनका भी काम करेंगे। हमारे यहाँ पर सारे बच्चे को ट्रेनिंग मिल जाए, स्किल मिल जाए, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश ये भी करेंगे कोई भी हमारा गैर पंचायत समिति का जो भी आदमी या वासिंदे हैं उनमें कोई गरीब नहीं रहे। तो इस तरह से पूरा पूरा हम खाका खींच रहे हैं और पूरा पूरा हम कारकों का ध्यान दे रहे हैं कि वैर कैसे हमारी एक आदर्श पंचायत समिति कैसे बने। तो ये पूरी पूरी हमारे दिमाग में ध्यान है, उस पर हमारा काम भी शुरू हो चुका है। दूसरी जो विशेषता है यहाँ की, आप जानते हैं कि बागवानी यहाँ की बहुत अच्छी है। भीम सिंह जी आपसे बात कर ही रहे थे कि प्राकृतिक खेती की बहुत चर्चा हो रही है आज की डेट में, और प्राकृतिक खेती जिन्होंने की है, हम ये नहीं कह रहे जिन्होंने करवाई है, हम नहीं कह रहे जिन्होंने की है और उन किसानों से पूछा है वो बहुत खुश हैं। तो ये समय की मांग है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर में आपका उसमें समय नहीं लूंगा आपका, जो उसमें रासायनिक जो बीमारियां जा रही हैं, जिस तरह बीमारियों का फैल हो रहा है वो हो रहा है, पानी की बचत कैसे हो सकती है और किस तरह से आपका जो इनपुट कॉस्ट है खेती में वो कैसे कम हो सकती है, उस पर भी हम ध्यान कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक पंचायत समिति में एक फार्म हम ऐसा तैयार करेंगे हमारे किसान भाई का, जो हमारा एक एक्सटेंशन सेंटर होगा, और वहाँ पर उन किसानों को बुलाएंगे और उन किसानों को बुला करके और हम ये करेंगे भाई हमारे इस किसान भाई ने इतना बढ़िया काम किया तो तुम भी करिए, पूरे दिन को ट्रेनिंग का काम होगा वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के हम अपना एक काम करेंगे। जरूरतमंद लोग हैं, किसान भाई हैं, हमारी महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उन पे उनकी नज़र, क्योंकि उनका एंगल सोचने का तरीका वही है, तो उनकी सीधी सीधी नज़र जो है वो पेपर पे भी जाएगी तो उसी तरीके से जाएगी, वो इनके अंदर इनबिल्ट है। तो ये बात सच है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर के छत्र छाया में, मार्गदर्शन में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। के दूसरे ही दिन हमारे आदरणीय निदेशक महोदय, जिनको मैं काफी सालों से जानता हूँ, उनका इतना अच्छा कार्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में साहब से मिलता है तो वास्तव में वो बहुत ही जल्दी से सहायता के लिए तैयार रहते हैं। मैं साहब से कई बार मिल चुका हूँ, हमारे यहाँ पर वैर में भी वेलफेयर सोसाइटी का कार्यालय है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे सिलाई मशीन का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य, ये सभी हमारे वैर में होता है। और मुझे साहब के बीच एक बार ध्यान आ रहा है कि उमरेंड में अग्निकांड हुआ था तो 24 घंटे के अंदर साहब ने वहाँ उनके लिए जो जरूरत की चीज़ें थी उनको प्रोवाइड करवाया था। तो वास्तव में मैं साहब की जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। और आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है हमारे पूरे वैर ब्लॉक का, जिसमें हर समाज का, हर धर्म का, हर जाति वर्ग के व्यक्ति को जिनको वास्तव में आवश्यकता है उनको पैराइटी से लेकर के आज का ये कार्यक्रम हमारे इस नयावास में रखा गया, इसके लिए मैं पूरी लुफ्रीन वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस नववर्ष के अवसर पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन रखा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, साहब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है कि हमारी लुफ्रीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से काफ़ी योजनाएं हैं, इवन यहाँ तक कि अगर कोई नाई है और वो अपना काम करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो अगर साहब से मदद के लिए कहे तो उसके जो सामान मिलता है उसके लिए भी वेलफेयर सोसाइटी से फंड की व्यवस्था है, उसको पूरी किट दिलवाई जाती है। और कोई मजदूर होता है, काम करता है, उसको अगर औजारों की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें भी लुफ्रीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये एक बहुत ही हमारे गरीबों के लिए महान कार्य जो इस संस्था द्वारा किया जाता है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और साहब की तो मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, मैंने जहां भी देखा है
अगर कहीं भी कोई अग्निकांड हो गया या कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई, वह 24 घंटे के अंदर, हम जब ये बात करते हैं, आपने लुपिन से कांटेक्ट किया तो बात ये आती है, साहब बहुत सहायता तो मिल चुकी है, तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि साहब कितने एक्टिव रहते हैं, और आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा और मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित। धन्यवाद चेयरमैन साहब।